अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशंस दैट आर सूटेबल फॉर सेटलमेंट। सेटलमेंट के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो सूटेबल हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। द लोकेशन एंड साइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। किसी भी जगह की लोकेशन जो है और उसकी जो साइट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सेटलमेंट को ग्रो करने के लिए, उसकी ओरिजिन के लिए। लोकेशन टेल्स अस वेयर द सेटलमेंट इज सिचुएटेड, वाइल साइट इज द एक्चुअल ग्राउंड ऑन विच द सेटलमेंट इज एस्टेब्लिश्ड। लोकेशन जो है वो हमें ये बताती है कि सेटलमेंट कहाँ पे मौजूद है, और साइट जो है वो एक्चुअल वो वाला ग्राउंड है जहाँ पे सेटलमेंट जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुई होती है। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन डिवेलपिंग अ ह्यूमन सेटलमेंट आर। ऐसे फैक्टर्स जिनका ह्यूमन सेटलमेंट की डिवेलपमेंट में एक पॉजिटिव किरदार है, इफेक्ट पड़ता है, वो क्या है, उनको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला है वाटर सप्लाई। ठीक है, किसी जगह पे वाटर सप्लाई का होना जो है उसकी वजह से एक सेटलमेंट बिल्ड होने में उसका पॉजिटिव किरदार है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटीरियल्स। बिल्डिंग मटीरियल्स की मौजूदगी, शेल्टर फ्रॉम वेदर, मौसम से बचाव के लिए शेल्टर होना, द क्लाइमेट ऑफ रीजन, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, फ्लैट एंड एरेबल लैंड, सीधी ज़मीन होना। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोटेक्शन एंड डिफेंस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मौजूद होना कि इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर सके, डिफेंस कर सके, ठीक है, कोई ख़तरा ना हो। ब्रिजिंग पॉइंट वहाँ पे मौजूद हो, एरियाज दैट आर मार्शी, स्टीप और सस्पेक्ट टू फ्लड्स, ऐसे एरियाज जो मार्शी हैं, स्टीप हैं, या फिर ऐसे हैं जहाँ पे सैलाब आने का ख़तरा है, जहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है, नो बिल्डिंग और वाटर सप्लाई, जहाँ पे वाटर सप्लाई का कोई निज़ाम नहीं है, मे बी कंसिडर्ड एज नॉट सूटेबल फॉर सेटलमेंट। तो ऐसी जगहों को जो है वो सेटलमेंट के लिए सूटेबल करार नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनको देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रूरल सेटलमेंट, विलेजर्स हैव स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्डिंग एंड देयर लाइफ इज सिंपल। रूरल सेटलमेंट्स में जो उसके एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि जो गाँव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनका जो आपस में मेल जोल है वो बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छी है, और उनकी लाइफ जो है ज़िंदगी बहुत सिंपल सी है, सादा सी। डिसएडवांटेज बाद में रीड करते, पहले एडवांटेजेस कर लेते हैं। ठीक है, द एयर दैट द रूरल पीपल ब्रीथ इज़ प्योर। वहाँ की जो आबो हवा है वो बहुत ही खालिस है, उसके अंदर कोई पोल्यूशन वगैरह प्रेजेंट नहीं है। रूरल पीपल लिव इन ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स। ठीक है, वो नेचुरल सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, गिर्द बाग वगैरह। ठीक है, द फूड दैट द विलेजर्स टेक इज़ फ्रेश, जो खाना वो खुराक खा रहे हैं वो फ्रेश होती है, ठीक है, बासी नहीं होती, ताज़ा होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, द रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर नॉट गुड। वहाँ की सड़कें और आने जाने का जो निज़ाम है ट्रांसपोर्ट का, वो इतना अच्छा नहीं है जितना शहरों का होता है। लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, कामों की ज़्यादती, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ नहीं है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। लेस फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन, तालीम की जो फैसिलिटीज़ है वो कम है। लेस फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ लाइक बिग हॉस्पिटल्स, ठीक है, सेहत की फैसिलिटीज़ कम है, जैसे बड़े अस्पताल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पहले हमने रूरल के पढ़े और अब हम अर्बन के पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ अर्बन सेटलमेंट, सिटीज़ हैव रोड्स ऑफ बेटर क्वालिटी, सिटीज़ के पास जो है सड़कें हैं अच्छी क्वालिटी की, पार्क्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, मार्केट्स हैं, एंड वेल बिल्ट हाउसेज हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, ठीक है। लेकिन अर्बन एरियाज टेंड टू बी मोर एक्सपेंसिव टू लिव इन, लेकिन अर्बन एरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, वहाँ पर रहना जो है वो बहुत ज़्यादा
कॉस्टली पड़ जाता है, खर्चे ज़्यादा हैं। हाउसेज आर मोर कॉम्पैक्ट इन अर्बन एरियाज, घर ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं अर्बन एरियाज में। और एडवांटेजेस क्या हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर एडवांस्ड, आने जाने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो एडवांस्ड हैं और हाईली डेवलप्ड हैं। बट प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इज़ कॉमन इन सिटीज़, शहरों में जो एयर पोल्यूशन है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। विलेजेस में ताज़ा हवा मिलती है हमें, लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं है, पोल्यूशन ज़्यादा है जिसकी वजह से इंसानों की सेहत जो है वो डैमेज होती है। उसके बाद है प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, शहरों में हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, अस्पताल मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इन सिटीज़, लेकिन शहरों में ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत होती है और उसकी बात ट्रैफिक की वजह से फिर पोल्यूशन भी ज़्यादा होती है। द प्राइम कंसर्न ऑफ ग्रीन एजेंडा इज़ टू मेंटेन द इकोसिस्टम हेल्थ फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपनी इकोसिस्टम को मेंटेन करें ताकि हमारी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। इट फोकसेस ऑन इशू ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के इशू पे हमें फोकस करना चाहिए, एंड इकोसिस्टम कंडीशंस एंड सर्विसेज सच एज वाटर अवेलेबिलिटी, हाउसिंग, ठीक है। और ब्राउन एजेंडा रेफर्स टू इशूज, तो अच्छा डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, द ब्राउन एजेंडा, ब्राउन एजेंडा क्या है, ये रेफर करता है ऐसे इशूज़ को ऑफ सेफ वाटर प्रोविजन, सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, इन एडिक्वेट सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जितना भी वेस्ट वगैरह होता है घरों का उसकी मैनेजमेंट सही नहीं है, एयर पोल्यूशन है, ठीक है, इंक्लूडिंग अनकंट्रोल्ड एमिशन ऑफ टॉक्सिक मटीरियल, टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो हवा में मौजूद हैं, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और मुख्तलिफ एयर पोल्यूशन जैसे फोग है, स्मोग है, ठीक है, तो वो जब इंसान जो है उनके अंदर एमिट हो जाती है तो फिर उसकी वजह से डिजीज़ भी काज होते हैं, ठीक है। और ये अनकंट्रोल्ड एमिशन है टॉक्सिक मटीरियल्स की, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।